तो आज मीटिंग के नाम पे भी कुछ कर्मचारी जाती छुट्टी मार रहे हैं, तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। सबको पहुंचना है तभी हमारा धरना सफल होगा। ऐसे नहीं, अभी धरना हमने दे दिया और बंदे लेना आए के देने नहीं, पड़े कर्मचारी आए नहीं, तो ऐसे सफल नहीं होगा। सभी को एकता रखनी है भाई, ये यूनियन तो मानते नहीं हमारी। लेने के देने पड़े सबको। सही बात है, हमने कितनी बार मांग पत्र लिख दिया, एक भी मांग अगर इन्होंने पूरी की हो तो। हमारी यूनियन कोई नहीं मानते, पिछली यूनियन थी वो माफी मंगवा देती थी, अब की बार ये शोषण करते हैं, लेटर निकाल देते हैं, वही बात हो रही है। एक भी सोल्यूशन हुआ था, एक भी बात का। जे गाड़ी क्लोज करता है उससे पहले था वो वैसे शोषण करता था, हर बार मारा तो शोषण ही हो रहा है भाई। तो फिर क्या फायदा भाई यूनियन का, सारे इकट्ठे नहीं हो गए ना तब तक ऐसे ही शोषण होगा भाई। तो 29 तारीख ना दिखा दो भाई इनको अपना शक्ति प्रदर्शन, भाई हम सारे एक हैं और अपनी मांग को मनवा के उठेंगे भाई, ऐसे नहीं उठेंगे भी। एकता दिखावे तभी तो कुछ है, बाहर निकल के आओ ऐसी साहब ना दिखाओ, ऐसे साहब दिखाओ भैया, हमारे तो अंदर पावर है, हम एक है, हमारी जो मांग है वो जायज है ना जायज हो तो आप बुला की मीडिया वाले ने दिखा दो कि इनकी नाजायज मांग है। नहीं, हम मीडिया वाले ने बुला के दिखावांगे, मीडिया वाले को साथ में बुलाएंगे इस चीज के लिए। सही बात, जो हमारी मांग है वो जायज है। भी पिछले यूनियन वाले जो थे उन पर आपकी कब कोटेशन मांगी, ना इनसे पूछेंगे ये बात है। जो आप ये कोटेशन मांग रहे हैं किस बात की कोटेशन मांग रहे हैं, साबन तोलिए कब से कोटेशन मांगने लगे ये। हाँ, कैंपर जो मंगा रखे हैं उनकी कोटेशन दे रखी है, जो कोटेशन देने की चीज है उनकी दे रखी है। साबन तोले की आती कोटेशन नहीं की तो पिछली और कटवा की देती, ये बात हम मुद्दे रखेंगे अपने। और किसे भाई का कोई भी साइट पे दिक्कत हो भाई बेझिझक, अगर इनको टाइम नहीं है ना पदाधिकारी 11 है ठीक है, और भाई निकल के आया करो, अगर फोन करे तो किसे भाई के पास भी तो निकल के आया करो, चल भाई गली तलन की दिक्कत से। और एक दूसरे की भावना में समझो भाई, आपसी द्वेष मत रखो ठीक है। धन्यवाद साथियों। आगामी प्रोग्राम उनके बारे में। नमस्कार साथियों, आज के अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन राम त्रिपोजी साहब और सम्मानित मनसा सिंह। आज की मीटिंग का मेन एजेंडा लगभग आपको पता ही चल गया, अब भाई 29 तारीख को जिला कमेटी के आह्वान पर यह धरना दिया जाएगा। तो उस धरना का ये नहीं है भाई एक खाली धरना, कोई भी बड़ा आंदोलन हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे जरूरी है आर्थिक सहयोग। क्योंकि यहाँ हमारी यूनियन के पास जो आज का लेखा जोखा है तो मात्र 2000 रुपये है। तो भाई वो धरना एक दिन चले या 2 दिन चले, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना का नोटिस जारी किया है। तो उसमें भी मैं चाहूँगा कि भाई जैसे जैसे जिसकी कोई आर्थिक सहयोग की ड्यूटी लगाई जाए वो मतलब एक समान होगी सबकी, जैसे 100-100 है या 200-200 जो भी है, क्योंकि बाहर से तो कोई आएगा नहीं, हमने ब्रांच ने ये चीज़ें इकट्ठी करनी है और धरने को सफल बनाना है। एक दूसरी बात है भाई, जैसे शुरू के दिन है तो यहाँ मेरा मानना जहाँ तक है 400 आदमी कम से कम इकट्ठे होंगे, क्योंकि अपनी BNR ब्रांच के अलावा PWD 41 की 21 ब्रांच है, तो 22 ब्रांच तो टोटल अपने हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन की है, जिला कमेटी की। उसके अलावा सर्व कर्मचारी संघ की ब्रांचे हैं शायद 51-52 कुछ है, जैसे बिजली विभाग है, अध्यापक संघ है, और भाई नगर पालिका है, और भी जितनी भी ब्रांच है वो सभी आएंगी। और एक स्टेट कमेटी वाले उस दिन आए हुए थे। अब ये धरना कोई मांगा हुआ नहीं है, यह एक अपने वस्त्र की लड़ाई है। अब ये यूनियन नहीं बनी है, एक कोई छोटी चिंगारी थी तो ये पूरा जवाला बन गया है, तो ये हमने उनको शक्ति प्रदर्शन करके ही दिखाना पड़ेगा। और जो ऑफिस में बैठे हैं अपने अफसर आँख मूंद के वो कुछ समझते हैं उन्हें कौन यूनियन है कौन प्रधान है। जैसे आज वो सुबह बात हुई थी सुपरवाइजर से कर रहा था अपना सूर्या, उस प्रधान भी वो सुपरवाइजर भी बोला प्रधान का की फंड है, तो ये चीज उदाहरण क्लियर हो जाएगी सारी, उनने पता चल जाएगा ये कोई एक ब्रांच का प्रधान को ना बहुत बड़ी चीज है। अपने अस्तित्व की लड़ाई है, इसमें बड़े चढ़ कर भाग लेना है। और एक सभी साथियों से मेरा भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, शुरू के दिन तादाद अपने BNR की ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे शुरू के दिन है अपने BNR कर्मचारियों की 60, तो अगले दिन 59-58-57 ये नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्योंकि जब तक हम ब्रांच के सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो बाहर जिले का कौन आएगा यहाँ,
ये धरना हमने कामयाब करना है। अरे ये जिला कमेटी का आदेश है, स्टेट कमेटी का आदेश है, लगभग यहाँ स्टेट कमेटी का पदाधिकारी आएगा, जैसे अपने प्रधान जी राजपाल हुड्डा जी, जयपाल हुड्डा जी, महासचिव है जनरल सिंह जी, कोषाध्यक्ष हैं अजीत सिंह भाताल जी, और जो भी जैसे वरिष्ठ उपप्रधान राकेश लाकड़ा, बहुत से पदाधिकारी अपने स्टेट के यहाँ अपना मतलब पूरा शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और जैसे दूसरी यूनियन है उसके भी आंखें खोलेंगे, भाई ये कोई नए बड़क हो रहे हैं जो पूरे बंद कमरे में रहे। तो भाई मेरा सबसे यही आग्रह है, निवेदन है, इस धरने को कामयाब बनाओ, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल होंगी, हमारी वैल्यू भी सुन जाएंगे लोग, सही बात, अरे कर्मचारियों की वैल्यू बनेगी, भाई आज एकदम तू तरह करके बोलते हैं इस तरह है ये है वो के है, तो वो चीज सारी इन्हें पता चल जाएगा। और अपना इस यूनियन खातर एक ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन यहाँ दरी बचेगी, क्योंकि सारे ने चार चार पाँच पाँच साल हो गए इसमें घुमाए, आज तक दरी में चाहिए ना देखी, कहते उस दिन का दिन था 2 फरवरी जिस दिन इलेक्शन हुआ था अलग हुए थे, कह फिर यो दिन होगा आंदोलन का जिस दिन भाई दरी बचेगी। तो अपने लिए मतलब बहुत गर्व की बात है, यहाँ बी एन आर के अंदर इतना बढ़िया रुतबा कायम होगा नई यूनियन का, और उसके सभी आप बधाई के पत्र रहेंगे। तो ये भी है मेरे सारे भाइयों को सहयोग करेगा तभी ये काम हम सफल कर पाएंगे। और हमारी जो मुख्य मांगे लगभग सब ने बताए भी, उन मांगा का भी निवारण होगा कुछ ना कुछ। तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी आप आए, मीटिंग को सफल किया और इस मीटिंग का मैं समापन करता हूँ। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 आवाज दो हमें कर, आवाज दो हमें कर, आवाज दो हमें कर। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कुछ मिला के वही टॉपिक रहने वाला है वहां पर। तो अपनी 15-20 साथियों से भाई उन्होंने भाई रिक्वेस्ट ला लो, कुछ भी ला लो, तो जो जो साथी बिल्कुल आपका कोई खर्चा नहीं होगा उसमें, पुराना बस स्टैंड पे सुबह 9 बजे बस मिलेगी आपकी, वहां जाने की ड्यूटी पूरी, यानी कि आपके अटेंडेंस की या जेई से संबंधित बातें यूनियन कर लेगी। तो भाई साथी जरूर आए, उसे कहने का भी देख लेना, ये माहौल है साथियों 7-8 महीनों में आ रही जो मांगे हैं उस पर प्रेशर बना के रहे, किसी भी तरह से अगर हम मनवा ले तो आने वाला समय अपना भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और साथियों आप खुद समझदार हो, जागरूक हो, तो थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करो यार अपने भाईचारे को, अपने साथियों से, जिस भी सफाई की कोई भी समस्या है उससे पूछे। यहाँ कोई एक प्रधान नहीं है, यहाँ सभी प्रधान साथी है, तो हमने सभी की लड़ाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, सभी के सहयोग से ही हम ये लड़ाई लड़ पाएंगे साथियों। तो हाँ भाई साथियों, एक आप प्रधान जी ने बताया कि आपको पता 400 आदमी है, उसमें आपको पता है कि आर्थिक सहयोग की जरूरत है, तो चाय पानी के नाम पे साथियों हम शुरू में 200-200 रुपए पर हेड के हिसाब से अगर रुपए रखें तो उसमें आर्थिक सहयोग भी हो जाएगा, हमारा बहुत बड़ा सम्मान रहेगा, क्योंकि आए आदमी की चाय पानी तो होती जरूरी है। तो मैं चाहूंगा 200-200 रुपए हमारे